अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं एक छोटा सा रिव्यू करने जा रहा हूँ सिमटेक के MPPT चार्ज कंट्रोलर का। बेसिक ये जो है ये सिर्फ सिंपल इसके पैरामीटर वगैरह इसमें बताऊँगा, इसमें कोई जो प्रैक्टिकल है वो मैं नहीं दिखाऊँगा क्योंकि अभी मैंने इसको जो है प्रैक्टिकली खुद नहीं घुमाया। ठीक है, तो मैं दो चार दिन से बड़ी इसकी ज़्यादा वीडियोस देख रहा था कि MPPT इसका बहुत ज़बरदस्त काम करता है, वैसे भी पाकिस्तानी मेड है, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर एक वीडियो हम बनाते हैं और फिर इसके इंशाल्लाह इसको मंगवा के फिर इसका जो है रियल टाइम टेस्ट भी हम इंशाल्लाह करेंगे इसके ऊपर। तो वीडियो को शुरू से एंड तक आपने लाजमी देखना है ताकि आपको इसकी परफॉर्मेंस की और हर चीज़ के बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है सिमटेक की, ठीक है, पाकिस्तानी मेड है, ठीक है, तीन मॉडल जो हैं इनके इस टाइम जो वेबसाइट के ऊपर फॉर सेल लगे हुए हैं। फर्स्ट वन जो है वो 60 एम्पेयर है और 100 वोल्ट VOC है, यानी कि वो 60 एम्पेयर का जो है सोलर से लोड बर्दाश्त कर सकता है और साथ जो है वो 100 वोल्टेज जो है वो PV से ले सकता है। और दूसरा जो मॉडल है वो है इसका, अच्छा ये जो पहले वाला मॉडल है ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में है और 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है। और दूसरा जो मॉडल है जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के अंदर है वो 145 वोल्ट VODC और 80 एम्पीयर के ऊपर है। और तीसरा जो इनका मॉडल है वो है 145, यानी कि उसमें जो सोलर की रेंज है वो सेम है लेकिन उसमें जो है चार्ज कंट्रोलर जो है वो 65 एम्पीयर का और ये 48 वोल्ट फुली ऑटोमेटेड है, ठीक है, और वो सिर्फ जो है 48 वोल्ट चार बैटरी वाले सिस्टम के साथ लग सकता है। तो आज की वीडियो जो है वो उसमें 60 एम्पीयर और 80 एम्पीयर का जो सिमटेक MPPT प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाला है 60 एम्पीयर, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में और इसको भी हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। यूट्यूब के अगर ऊपर मैं जाता हूँ तो इस पर भी आप देख सकते हैं कि AJ इलेक्ट्रिक्स वालों ने इसका रिव्यू किया हुआ है, 1 मंथ गो है। फिर इसके बाद टेक अलादीन ने भी इसका किया हुआ है 1 माह पहले, और इस तरह करते आप नीचे आते जाएँ तो काफ़ी जो हैं यूट्यूबर जिन्होंने इसका जो है सिमटेक का रिव्यू किया हुआ है। तो मोस्टली जो है उन्होंने 80 एम्पीयर का जो है वही यूज़ किया हुआ है, लेकिन ये तो आपके लोड के मुताबिक है कि आप कि जितना आपका लोड है। ये 60 एम्पीयर का रिव्यू भी इसके अंदर है और ये कुछ जो है उसके डायग्राम वगैरह दिखाए गए हैं कि किस तरह करके आप इसके साथ जो है बैटरीज वगैरह लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो अभी ओपन हो चुका है 60 एम्पीयर फुली ऑटोमेटेड सिमटेक हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर। अच्छा हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड बेसिक ये होता है कि ये आपके किसी भी UPS को, मे बी वो देसी UPS बना हो, होमेज का हो, कोई भी UPS हो, ठीक है, सोलर वाला हो, विदाउट सोलर वाला हो, उसको ये हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड मींस ये कि आम जो MPPT चार्ज कंट्रोलर थे जिसका मैंने एक पहले भी चैनल के ऊपर रिव्यू किया हुआ एब्सेंस के नाम से था, या एक और MPPT था, उनकी वीडियो भी मैं अभी साथ या डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं उनको। उनका जो इशू आता था MPPTs का वो ये आता था कि वो सोलर और बैटरी ये दो इनपुट होती थी या कोई जो होता था उसमें, वो आप उससे DC लोड भी चला सकते थे लेकिन वो हाइब्रिड नहीं होते थे। उसमें इशू ये होता था कि जब आप बंद कर देते थे अपने UPS की चार्जिंग की, तो जब कभी बादल आ गए या ज़्यादा लोड पड़ गया, बैटरी डीप डिस्चार्ज होगी, तो ये होता था आपका सर्किट बंद हो जाता था, बैटरी जो होती थी वो डीप ड्राई हो जाती और UPS आपका जो था वो लो बैटरी का वार्निंग देके बंद हो जाता था, फिर आपको वो ऑन करना पड़ता था, ठीक है। और ये उसमें हेडिक थी जो सिंपल MPPT होता है, बूस्ट वो भी करता है लेकिन उसमें ये होता है कि वो हाइब्रिड नहीं होता। हाइब्रिड में बेसिक ये एक डिफरेंस होता है कि हाइब्रिड जो होता है उसके अंदर आप 220 इन करते हैं वाबडा, और उसके इसके जैसे कि इसके मैं दिखाता चलूँ आगे जाके आपको पिक्चर के अंदर, तो ये देखें इसके नीचे जो है ये जो है वाबडा इनकी बनी हुई है। अभी मेरे पास बेसिक फिजिकल नहीं है, नहीं तो मैं आपको फिजिकली दिखाता, वो भी इंशाल्लाह आपको जल्दी दिखाऊंगा। ये एक थोड़ी सी इसकी अच्छी इमेज आई है, तो ये आप देख सकते हैं मेन लोड है, यानी कि लाइव वायर और न्यूट्रल, ये आप यहाँ से इन करेंगे। और उसके बाद अगर इसके टॉप के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपके UPS का जो स्विच है वाबडा वाला वो यहाँ पे लग जाएगा। और 3 पिन इसलिए दिया किया गया है ताकि न्यूट्रल और जो लाइव वायर है वो चेंज ना हो, आप इजीली उसके ऊपर उसको लगा सकें।
तो हाइब्रिड का फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी इसके अंदर एक बैट प्रोग्राम हो जाता है कि जब आपकी बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो उसमें सेटिंग है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो इसकी आती है वो आती है 11.7 वोल्ट तक, जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज होती है और सोलर इतनी पावर से उसको चार्ज नहीं कर पाता MPPT, देन ये उसको हाइब्रिड मोड के ऊपर शिफ्ट कर देता है, जिससे ये होता है कि वो वापडा से चार्जिंग लेता है प्लस सोलर भी उसको साथ चार्ज करता रहता है। बैटरी जब आपकी वापस 14 वोल्ट के ऊपर चली जाती है, 14 वोल्ट के ऊपर चली जाती है, देन फिर वो हाइब्रिड मोड को बंद करके दोबारा सोलर के ऊपर उसको ड्राइव कर देता है। और इस तरह जो है आपका सर्किट स्मूथली सारा दिन चलता रहता है। सुबह जैसे ही आपको ब्रेकर बंद करने की टेंशन नहीं होती, सुबह जैसे ही 14 वोल्ट के ऊपर आपकी बैटरी जाएगी, ये ऑटोमेटिक जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को है वो उसको हाइब्रिड मोड पे को बंद कर देगा और जो डायरेक्ट सोलर से है उसको चलाना शुरू कर देगा। उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 14:7 14:8 तक भी उसको बैटरी फुल को बढ़ा सकते हैं जो उसके अंदर उसकी रेंज दी गई है। तो ये अभी इसके थोड़े से पैरामीटर देख लेते हैं। कहता है कि ऑटो डिटेक्ट है 12 वोल्ट 24 वोल्ट है जी, यानी कि जो बैटरी आप अगर एक बैटरी लगाएंगे तो ऑटो सेंस कर देगा। सबसे पहले आपने इसके साथ बैटरी अटैच करनी है, कभी भी इसके साथ सोलर पहले अटैच नहीं करनी, सबसे पहले आपने बैटरी लगानी है इसके साथ ताकि वो ऑटो सेंस मोड पर डिटेक्ट करे कि 12 वोल्ट की बैटरी है कि 24 वोल्ट की दो बैटरी इसके साथ लगी हुई हैं। फैन कंट्रोल लगा हुआ है जो कि ओवर हीट के ऊपर जो है वो ऑटो ऑन होता है। इसके अंदर हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन है आपको कि अगर सोलर से आपके 100 वोल्ट से एक्सट्रीड करते हैं, या दूसरा जो है MPPT जो दूसरा वाला है इसके अगर 150 वोल्ट से अबव जाते हैं एक्सट्रीड करते हैं, या इसके 100 वोल्ट से एक्सट्रीड करते हैं तो वो आपको जो है चार्जिंग स्टॉप कर देता है। वार्निंग जो LED है वो रोशन उसकी हो जाती है कि वार्निंग है। लेकिन ये है कि जो पहले MPPT थे जैसे कि एप्सेंस या था या दूसरा MPPT था जिसका ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है और वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसमें ये होता था कि ओवर अगर आपसे वोल्टेज हो गए या आपने 5 से 6 वोल्ट का मार्जिन रख के लगा दी है प्लेटें, 50 वोल्ट की उसकी कैपेसिटी है MPPT की और आपने उसको 45 वोल्ट दे दिए, और समटाइम ये होता है कि ज़्यादा धूप होगी इस तरह से होगी कि प्लेटों ने ओवर करंट प्रोड्यूस कर दिया, तो वो ये होता था कि आपका MPPT जो था वो ख़राब हो जाता, उसका कोई ना कोई फ्यूज़ उड़ जाता था, कुछ मसला हो जाता। लेकिन इसमें ये चीज़ भी उन्होंने ख़त्म कर दी, उन्होंने हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन इसके अंदर रख दी है कि अगर खुदा न खास्ता वोल्टेज एक्सीड होते हैं तो एरर दे के जो है वो बंद हो जाएगा, जब वोल्टेज दोबारा नॉर्मल भी आएंगे तो देन फिर वो तो रिमेनिंग चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, शुरू कर देगा। तो ओवर चार्जिंग बैटरी की प्रोटेक्शन भी है कि बैटरी जो है वो आपकी 15 वोल्ट तक जो एक्सीड अगर करते हैं वोल्ट उसके तो वो भी जो है वो चार्जिंग मोड को बंद कर देगा। ये दोनों मोड दिए गए हैं, अगर 12 वोल्ट है तो 15 वोल्ट है, अगर 24 वोल्ट है तो 30 वोल्ट तक, ठीक है, अगर 60 वोल्ट है 48 वोल्ट चार्जिंग मोड है, ठीक है। और दूसरा उसमें यह है कि बैटरी लो वार्निंग की भी इसके अंदर दी गई है, वैन बैटरी कैपेसिटी डिक्रीज बिलो 50% MPPT स्विचिंग फ्रॉम टू, वैन बैटरी रीच 100% कैपेसिटी MPPT रिटर्न टू, ठीक है, जब 50% तक बैटरी आती है तो ये दोबारा उसको हाइब्रिड मोड पे ले जाएगा, जब दोबारा 100% पे आती है तो दोबारा उसको वापस उस पर शिफ्ट कर देगा। उसके आगे फिर सोलर चार्जिंग मोड इसका आ जाता है, 3 चार्जिंग मोड के अंदर जिसको बैटरी को चार्ज करता है, हाइब्रिड मोड आ जाता है, ठीक है, बैटरी वही चीज़ दोबारा बताइए, बैटरी चार्जिंग मोड है इसके अंदर, CC मोड है और उसके अंदर CV मोड है और फ्लोट मोड है, फ्लोटिंग चार्जिंग मोड है कि जो जब बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी वो 13:8 13:5 जिस पे आप उसको जो है फ्लोटिंग चार्जिंग चार्जिंग के ऊपर रखना चाहते हैं वो आप उसको वहाँ पे स्टेबल रख सकते हैं। तो अभी जो करंट है आज की डेट है 9/4/2023, तो अभी जो इसकी इनकी वेबसाइट के ऊपर प्राइस है वो है 21,800 और जो दूसरा मॉडल है इनका 145 वोल्ट 18 एम्पीयर वाला उसके 26,300। तो जो सबसे जो कम प्राइस है वो इनकी ही वेबसाइट के ऊपर, जो अपनी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर ही है, और उसके अलावा जो दूसरे दराज पे जाएंगे तो वहाँ भी 2-3 हज़ार रुपये जो है वो आपको कॉस्टली मिलेगा, किसी और वेबसाइट पे आप बाय करते हैं तो वहाँ से मे बी 3 से 4 हज़ार रुपये आपको ये कॉस्टली मिले। परफॉर्मेंस है जो जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह सब ने इसकी जो है, फर्स्ट मैंने ऐसा MPPT चार्ज कंट्रोलर देखा जो पाकिस्तानी मेड है, जिसका तकरीबन जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी उन्होंने इसके बारे में रिव्यू बनाया है सब ने इसके बारे में पॉजिटिव ही अपना फीडबैक दिया, किसी ने इसके बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं दिया। कि मोस्टली होता है कि हर के डूज एंड फॉल्स होते हैं कि ये इसकी कमियां हैं और ये इसकी खूबियां हैं, ठीक है, लेकिन इसकी ऑलमोस्ट जितने भी ने भी इसका रिव्यू किया है वो सब ने जो है इसकी
अच्छा यही बयान की है किसी ने इसकी, जो कोई इसमें इस तरह का उन्होंने ड्रॉबैक नहीं दिया जो कि दूसरे MPPTs के अंदर होता था। लेकिन ये है कि जब मैं इसको खुद इसका इंशाल्लाह रिव्यू करूंगा, तो उसके बाद फिर इसका अगर कोई मुझे इसकी कोई इस तरह की इशू आता है या कोई इस तरह की कमी इसमें फील होती है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला बढ़े।